सो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेकपोक पे। जैसा कि आप सब जानते हो कि ये जो नॉइस का ब्रांड है डीवी, उसने कहीं ना कहीं एक और अपना एक ऑन द ईयर हेडसेट निकाला है, और डीवी बास एक्स के नाम से आता है। फील द पावर, यहाँ पे आपको एक ब्लू एक्सेंट मिलता है और एक ब्लैक एक्सेंट मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 15 आवर्स तक आपको नॉन स्टॉप प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। डीवी की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको राइट साइड में, और कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहाँ पे। ओवर द ईयर्स नहीं है, ऑन द ईयर्स आपको मिलते हैं। और उसी के साथ साथ लिसन ऑल डे लॉन्ग, यहाँ पे 15 घंटे का आपको इजीली प्लेबैक टाइम मिल जाता है। हियर मैक्सिमम डिटेल्स टर्न्स ऑफ बास, यहाँ पे 40 mm के आपको ड्राइवर्स यूज़ करे गए हैं। पैसिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है, ANC नहीं मिलता है आपको यहाँ पे। तो इसका जो प्राइसिंग रहने वाला है वो कहीं ना कहीं डिसेंट रहने वाला है, बजट के प्राइस ब्रैकेट में रहने वाला है। आगे हम बात करें, फील लाइट वेट और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी खासी आपको मिलने वाली है इसकी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो पूरा का पूरा है, इसका प्लास्टिक की बिल्ड है, थोड़ा सा मेटेलिक होता है यहाँ पे हिंजेस का, जो हिंज है इसकी तो ज़्यादा बेटर होता, बट कोई नहीं, यहाँ पे बजट सेगमेंट में निकालेगी। कंट्रोल एट योर फिंगर टिप्स, बटन कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको बटन कंट्रोल मिल जाते हैं वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए और पावर ऑन ऑफ करने के लिए। और उसी के साथ साथ डेडिकेटेड आपको वॉइस असिस्टेंट का की मिल जाता है, जिसे आप सीरी या गूगल को भी एक्टिवेट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ कनेक्ट नो फर्स प्योर साउंड, यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 का ड्यूल पेयरिंग के साथ ही आता है और टाइप सी पोर्ट मिलता है। यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक भी मिल जाता है, इसके थ्रू आप अपने ईयरफोन्स को कनेक्ट कर सकते हो। अगर इसकी बैटरी लो हो जाती है तो आप इसको एज अ वायर्ड हेडसेट भी यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे लेटेंसी एकदम आपको फर्स्ट क्लास मिलेगी, मतलब गेम में कोई भी आपको लैग नहीं मिलेगा देखने के लिए। और ऐसे आपको लो लेटेंसी मोड इसमें नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अगर ब्लूटूथ से यूज़ करो डायरेक्टली तो गेमिंग मोड कोई भी नहीं दिया गया, बट अगर आप वायर्ड एज अ वायर्ड हेडसेट यूज़ करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको लैग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो गाइज़ ये बहुत जल्दी सेल पे चले जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे शोकेस हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से इसका जो प्राइस होने वाला है वो कहीं ना कहीं हो सकता है 1000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। अगर 1000 रुपये से कम में रहा 999 रुपीज़ में तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि 999 में कहीं ना कहीं जो आपका, अगर मैं कंपेयर करूँ JBL के जो हैं इन्फिनिटी, JBL के जो इन्फिनिटी हैं वो कहीं ना कहीं आते हैं 1200-1300 रुपये में। तो इसका भी मेरे को लगता है कि जो कहीं ना कहीं प्राइस ब्रैकेट रहने वाला है वो इतना ही रहने वाला है, मतलब 1000 रुपये के नीचे ही। तो गाइज़ ब्लूटूथ 5.0 तो इसमें मिल ही जाता है आपको। IPX4 की आपको रेटिंग मिल जाएगी, प्रॉपर स्वेट और स्प्लैश रेजिस्टेंट थोड़ा स्मॉल मिल जाएगा आपको। और बास भी इसमें अच्छा खासा दिया गया है डेडिकेटेड, जैसा इंडियन यूज़र्स को पसंद है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो डेफिनेटली। इसका मैं डिटेल रिव्यू अनबॉक्सिंग जरूर लेके आऊँगा आप सभी के लिए, स्टिक रहिएगा चैनल से। और गाइज़ कोई क्वेरी रहता तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।